वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप लोगों के लिए खास अनाउंसमेंट है। वीडियो को शुरू करने से पहले सिर्फ एक सवाल, ये साला ट्विटर के अंदर में एक्स वीडियो क्यों ट्रेंड कर रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स वीडियो? वो एक्स वीडियो है क्या? मुझे कुछ और लग रहा है। आपको अगर समझ में आता तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। बंदा हाजिर है और इस वीडियो में बात करने वाला हूं वीकेंड के बारे में, सलमान खान ने एग्जैक्टली क्या किया कंटेस्टेंट के साथ में, और फलकनाज भाई क्या पलटी है, जबरदस्त पलटी है। वीकेंड के वार के बारे में बात करूं उससे पहले बात करना चाहता हूं कि फलकनाज ने बाहर आने के बाद में क्या किया है। फलकनाज ने इंटरव्यू में कहा है कि इस शो के अंदर में उनको दो ही विनर दिख रहे हैं, पहला फुकरा इंसान और दूसरा अल्विश यादव। ये लोग तो छाए हुए हैं घर के अंदर में रह करके, पता ही नहीं चलता है कि कौन क्या कर रहा है। बाहर आकर के समझ में आ रहा होता है कि कौन क्या कर रहा है। भाई ये तो वही वाली बात हो गई, अरिजीत सिंह को देखने के लिए लाइव कॉन्सर्ट का एकदम फर्स्ट वाला सीट का तुमने टिकट लिया है और अब कहते हो कि तुमने अरिजीत सिंह को देखा ही नहीं। वाह वाह दीदी क्या पलटते हो। बाय द वे मुझे ऐसा लगता है कि जब फलकनाज घर वापस आई होगी तो उसने देखा होगा इंस्टाग्राम और उसके बाद से जो डीएम में गालियां पड़ी होंगी जो सपोर्टर है, जो गैंग है, अल्विश यादव की आर्मी बोलो या फिर फुकरा इंसान की आर्मी, भाई दोनों ने रख करके पेल दिया होगा। और अब मैडम दिली दिल सोच रही होगी कि एक बार तो एनजीओ जाना बनता ही है। ये जो घर के अंदर में चल रहा था ना एनजीओ, कौन सा एनजीओ? अविनाश पूछ रहा था एनजीओ किधर है उसका एनजीओ। अब जो है अविनाश को जवाब मिलेगा। बाय द वे अविनाश से याद आया, मैडम ने सीधा कह दिया है उससे कोई लेना देना नहीं है, वी वर जस्ट गुड फ्रेंड और आगे भी दोस्त ही रहने वाले, हमारे बीच में ऐसी कोई फीलिंग्स डेवलप नहीं हुई है। तो भाई फलकनाज जो है सीधे तरह से पलट गई है। उनको बाहर आने के बाद में समझ में आ चुका है कि यूट्यूबर का पावर क्या होता है और यूट्यूब कम्युनिटी क्या क्या कर रही है ऑलरेडी उन दोनों को जिताने के लिए। वो बात अलग है कि मेकर जाकर के एंड में पूजा भट्ट को जिता दे या फिर खुद को रिलेवेंट रखने के लिए और अगले साल और भी दबा करके व्यूअरशिप मिले उसके लिए किसी एक यूट्यूबर को जिताने से मजबूर हो जाए। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन पे बताना। आगे बढ़ते हैं कि सलमान खान ने एग्जैक्टली क्या किया है। सलमान खान आने के बाद से एक अच्छा मुद्दा उठाया जो कि था जिया शंकर के बारे में। उन्होंने पानी के अंदर में साबुन मिला दिया था और जो कि अल्विश यादव को पिला दिया था और वो भाई साहब पी भी गए थे आधे से ज्यादा ग्लास। उस चीज को जिस तरह से उन्होंने रेक्टिफाई किया वो अच्छा लगा, लेकिन ऑडियंस जो है, जो ट्विटर की जनता है, उन्होंने जाकर के सीधा कहा कि भाई इनडायरेक्टली अल्विश यादव को कुत्ता कहा जा रहा है, क्योंकि सलमान खान ने जिस तरह से एग्जांपल दिया एग्जांपल में यही कहा कि क्या हमारे वैनिटी मैन के पास में जो कुत्ते होते हैं उनको जब आप प्यार करते हो क्या उनको भी ऐसे ही पानी मिलावट वाला खाना खिलाते हो? तो भाई एग्जैक्टली कहना ये था कि जब एक जानवर के साथ में ऐसा सलूक नहीं कर सकते तो फिर एक इंसान के साथ में कैसे किया। एंड लिटरली आई वॉज ऑन फायर जब मैं देख रहा था कि जिया शंकर सॉरी सर इट वॉज सो स्टूपिड ऑफ मी, ये जो हरकत थी ना, मन कर रहा था घुस करके मुंह तोड़ करके बाहर आऊं। हालांकि जिया शंकर को बहुत ज्यादा लाइक करता हूं यार, मतलब जब वो स्क्रीन पे होती है तो ऐसा लगता है कितनी प्रीटी है, और जब रास खुला कि वो 29-30 की है भाई एकदम से शॉक लगा। आई वॉज थिंकिंग दैट शी वॉज 20-23। मुझे लगता है मैं भी जैद के जैसे हूँ लेकिन मैं उसके जैसे टर्की नहीं हूँ। वो लिटरली हंसे जा रही थी और हंस करके सॉरी कहे जा रही थी। और सलमान खान को भी गुस्सा सेम जगह पे आया, उन्होंने कहा कि भाई ये जो तुम हंस रहे हो ना इससे किसी भी नजरिए से ये नहीं लगता कि तुम माफी मांग रहे हो या फिर मांगने की मूड में हो। तो फिर भाई ऑब्वियसली बात है जो होना था सो हुआ। और जो मैंने शुरुआत में फलकनाज के बारे में कहा कि फलकनाज घर से बाहर आ गई, भाई वो वोटिंग मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। इस बार सबसे पहला स्लोगन ही ये रखा गया था कि आपकी मदद लगेगी, तो भाई जनता कहां तुमको, एक मिनट हम गाड़ी को पूरा धक्का देंगे बस आप हल्का सा पुश कर देना, ये मतलब तो नहीं ना था? क्योंकि पूरा सीजन के अंदर में यही हो रहा है, डिसीजन जो है खुद बिग बॉस भी नहीं ले रहे, ऑडियंस भी नहीं ले रही है, बस ये सारे डिसीजन उठा करके थोप दे रहे अंदर में बैठे कंटेस्टेंट के ऊपर में कि इन लोगों में से आप किसको चाहते हो कि घर से बाहर जाना चाहिए, आप सबसे ज्यादा कमजोर किसको मानते हो। देखो जब वोटिंग चल रही थी जैट फलकनाज और अविनाश के बीच में कि इनमें से सबसे ज्यादा लोएस्ट कौन लगता है तुम्हें घर के अंदर में, जिसको अंदर से जीतने की कोई इच्छा नहीं है, कौन लगता है जो नहीं खेलना चाहता है, भाई देखो इन चार लोगों का मुझे समझ में आता है जो अपने बाहर के सोशल मीडिया की गैंग थी उन लोगों ने पूरे तरह से गैंग अप किया अविनाश और फलक को, वो अपने हिसाब से किए। चार के बाद में पांचवा छठा सातवां भाई ये सबके सब मिलकर के फलक की तरफ में उंगली किए, फलक अविनाश। जबकि मैं दिल से कह रहा हूं मैं बिल्कुल भी नहीं पसंद करता हूं उस गैंग को, भाई सबसे नल्ली और सबसे वाहियात गैंग थी वो, लेकिन मैच कह रहा था भाई जैड को निकालो, ये बंदा आजकल दिखता नहीं है कहीं पे भी नहीं है, कुछ भी नहीं निकल कर आता है। और भाई साहब ने एक स्टेटमेंट दिया ना कि उम्र के वजह से उसकी फीलिंग चेंज हो गई, तो भाई फिर मुझे सही लगा कि जो वो कमेंट पास कर रहा था सलमान खान ने भी इस चीज को एड्रेस किया कि जब तुम्हारी फीलिंग एज अ डॉटर थी ऐसी, अभी तुम उसकी एज को जानने के बाद चेंज कर रहे हो, तो फिर शायद वो कमेंट जो बोला गया था कि डॉटर बोल करके, इस वजह से मुझे लग रहा था भाई इसके पास में कोई स्ट्रेटजी नहीं है, जब भी इसको लगता है कि वीकेंड का वार आने वाला है कुछ ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल कह दो और उसके वजह से फिर बच जाओ। मेरा कहना था जैट को निकालो भाई, वो किसी भी एंगल से नहीं रहना चाहता, उसने हजारों बार कह दिया I'm done और इस चीज को अच्छे से कॉपी किया सलमान खान ने भी। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वीकेंड के वार के अंदर में कंटेस्टेंट लोगों ने खुद ही आपस में गेम खेल दिया और तख्ता पलट कर दिया। और मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आ रहा था जब फलकनाज जा रही है तो उसमें नहीं तुम कैसे जा सकते, नहीं अरे तुम ही ने निकाला है घर से बाहर, भाई अब कैसे बोल सकते हो, नो 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 यू कांट गो, ऐसे कैसे भाई, हां गेट खुल चुका है फिर भी
बाहर इंतजार करना। भाई हर लव स्टोरी बॉलीवुड जैसी नहीं होती, और जरूरी नहीं कि लड़की तुम्हारे सामने प्यार से बात कर रही है तो वो तुमसे प्यार करती है। बाहर आना तो रियलिटी चेक हो जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अबाउट द वीकेंड का वाह व्हाट्स योर टेक। प्लीज डू कमेंट। यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। और वेट अभी जाना नहीं, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। इस चैनल के अंदर में जो है आपको हफ्ते में 3 दिन फैक्ट वीडियो, डॉक्यूमेंट्री या फिर केस स्टडी वीडियो मिलने वाली है। तो अगर आपको इस चीज में इंटरेस्ट है तो चैनल को और भी जल्दी से सब्सक्राइब करो, और जैसे ही आप वो सारे वीडियोस देखते हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब किया करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।